शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पल्ली जी बैठ जा, बैठ जा। इत्थे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी इस वक्त टाइम 10:34 हो चुके हैं। आई एम सॉरी गाइस, कुछ दिन मेरे व्लॉग नहीं आ सके क्योंकि मैं क्वेटा गया हुआ था टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो अभी उधर से वापस आ चुके हैं। इंशाल्लाह अभी डेली आपको, पहले मैं सुबह 8 बजे व्लॉग को अपलोड करता था, अभी इंशाल्लाह रात 8 बजे व्लॉग को अपलोड कर दिया करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए एक स्पेशल व्लॉग है, वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, वो भी देखिएगा। और मेरा यार, मेरा अहमद, आइए आइए मिलो तो सही यार। आपका चाचू कितने दिनों के बाद आया यार। भाई चाचू की पारी तो करो यार। शाबाश भाई, आपका चाचू कितने दिन बाद आया। चाचू को याद किया था, हाँ चाचू को याद किया। यार ये क्या हो गया है, बाल किधर गए तेरे, बाल किधर गए तेरे। अच्छा तेरी टेन काटती गुड़ी यार, बड़ी गल है यार। चल मोटरसाइकिल चला यार, चलिए गेयर ला, गेयर गेयर ला अगला भाई, गेयर कड़ी जा रहे हैं तू, गेयर ला चल। क्या चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। चूचे केड़े रखे जे, मोटरसाइकिल बंद करो फिर। ये रंग बिरंगे ने, की हिसाब किताब, चूचा दर्जन या किदा। 15 रुपए का एक चूचा, को खाओ को काट के कदा। 15 रुपए का जी, हां जी एक खाओ करे। ते ए गोल्डन ने मिश्री ने केड़े ने, 10 रुपए वाले ने, सानू 11 रुपए का मिलता, 15 का सी बेच। अच्छा 15 का ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 1800 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਰਾਮਾ ਤੇਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਪੌਣੇ 200 ਪੌਣੇ 200, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਚੱਲ ਪਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਬੇ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਬੈ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਬੈ ਜਲਦੀ ਬੈ। ਓਏ अहमद भाई बहुत खुश हो गया है, मरबे जाना हूँ, मरबे पुत की करना। अच्छा जी अभी बड़ा भाई मरबे से वापस आया, चारा काट रहा था वहाँ पर, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी थोड़ा सा उधर काम है वो करना है। पानी भी लगा हुआ है, चला जावे, पानी लगा हुआ है फसल को। ओ काम कर लिया, अभी थोड़ा सा रह गया। ये बहुत ही प्यारे हमारे भाई, एसपी भाई नाम है इनका, बचपन में छोटे छोटे हम हुआ करते थे, बहुत खेला करते थे जनाब। तो ये भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ये भी मदद करने आ गए हैं, देखा इन्होंने साथ। गांव में यही होता है जी कि
कोई एक काम कर रहा है तो दूसरा उसकी मदद कर देता है। शहरों में ऐसा काम नहीं होता, कोई किसी की मदद नहीं करता। करते होंगे लेकिन जो गांव की लाइफ है, जो गांव के लोग हैं, उनका अपना ही मज़ा है। अहमद यार की कर रहा, तू आया कला है, तो कोई काम तो कर दूँ। चल पट्ठे चुक, चप्पल तेरी कितने, दूसरी कितने छोड़ देती हो यार। खोता भी साढ़ा ना यार, अगो पिछों टुटता ही फिरता है। चल आ जा, तेरी जुत्ती तो चुक लिए, कितने सुटी है जुत्ती। चंगा बंदा यार, तू मैंने पहले नहीं दसिया तेरी चप्पल इतने गिर गई है यार। चल पा ला पा ला, शाबाश। हाथ में चुक ला, हाथ में चुक ला जुत्ती, हाथ से फाड़ ला यार, दोवें हाथ से फाड़ ला, जुतियां ला दे। काम हो गया जी कंप्लीट, अभी खेत दिखाते हैं आपको। लो जी, कीचड़ से पांव सारे खराब, कोई बात नहीं। मेरा अहमद यार, ओ हो कितना सोहना हो गया ऐसी यार, की हो गया नू। बच के देखना चाहिए। चलो जी, अहमद यार भी आ गया बाहर। चल चप्पल बाहर, थोड़ा सा और काम है वो करते हैं। तोड़ी लेनी है जी, तोड़ी भूसा जिसे कहते हैं गंदम का, वो भी लेना है इधर से, वो भी आपको दिखाते हैं और फिर फसलें आपको दिखाते हैं। सबर कर, सबर कर, पल्ली जी बैजा बैजा इत्थे। अहमद यार को पल्ली में बांध लिया जी, देख लें आप। ठीक है जी, अभी जा रहे हैं भूसा लेने के लिए, तोड़ी लेने के लिए। अहमद को उठा लिया यार मैंने, ये ना हो कि अहमद मेरा यार थक जाए फिर इधर बैठ जाए। चल भाई उन उठ जाए यार, पहुंच गए आप, उठ जा हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा पल्ली चढ़ जा, उठ जा उठ जा उठ जा। शाबाश, कपड़े खराब हो गए, कोई गल नहीं धो लाँगे, छाड़ दे छाड़ दे, कपड़े छाड़ लाँगे बाद। चल चल अगे चलो यार। अभी ना कुछ दिन पहले तूफानी बारिश और आंधी तूफान आया था, तो उसकी वजह से गंदम सारी देखें सारी गिर गई है। अभी तकरीबन पक चुकी है, लेकिन अभी हाथ के साथ काटनी पड़ेगी। पहले ये था कि ये वो कटर होता है ट्रैक्टर वाला, ठीक है उसके साथ काटना था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये हाथ के साथ काटेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेरी पे बेर तो पके हुए हैं यार, ये देखें, ये देखें, उसके बाद ये देखें। अहमद खा यार, शाबाश, खा खा के दस, मीठा मीठा किन्ना किन्ना का मीठा, खट्टा तो नहीं यार, वाकई बहुत मीठा है बेर। मैं बेर फाड़, ठीक है तू आज इधर खुरली च बह के ना बेर खा, ठीक है ये इत्थे बह के, बह जा बह जा बह जा बह जा, इत्थे बह के थले बह जा, थले सही तरह बह जा, इत्थे तू बेर खा, तो मैं उन्हें जिकर लकड़ियाँ पा दा, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अहमद अभी बेर खा रहा है, तो मैं इधर से लकड़ियाँ के लिए आग जलाने के लिए वो इकट्ठी करनी है उस पल्ली में। लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, अहमद भाई इधर बेर खाएगा, ठीक है, और मैं वो भाई सामने भूसा इकट्ठा कर रहा है, तोड़ी जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो वो तोड़ी लेके आते हैं। अहमद इतने बी, ठीक है जाना नहीं कितना, ठीक है ओके। बेर वाकई यार बहुत मीठे हैं, कमाल है यार, अगर नहीं कभी ट्राई किया तो करके देखना, बहुत मीठे हैं। ये भी एक बेरी लगी हुई है, ये देखें यार, गंदम का सारा सत्यानाश हो गया यार। ये देखें कोई थोड़ी सी खड़ी है, ये सारी गिरी पड़ी है यार, देखें वो सामने बड़ी नहर यार। किसानों के लिए इस दफ़ा गंदम का बहुत ही नुकसान हुआ है,
क्योंकि यार ये तूफ़ान जो आया ना इसने बहुत काम ख़राब किया यार। इसमें है तो अल्लाह ताला की रज़ा, लेकिन बहरहाल ये जो गरीब किसान हैं मेहनत मजदूरी वाले सारा साल मेहनत करते हैं, अभी उनका फल का टाइम था, फल को लेने का टाइम था अभी, तो अल्लाह ताला की कुदरत ने कुछ और ही सोचा हुआ था शायद इसमें बेहतरी होगी। इधर से चलते हैं जी, ये देखें गंदम सारी यार। कणक का यार की होएगा हूँ हाथ नाल ते की सारे पास इवें हुई है या सिर्फ अपनी हुई है यार? पूरे मुल्क ते इदा हुई। अच्छा पूरे पाकिस्तान दे, मेरा ख्याल हुण एक नुकसान तो नहीं है वैसे दाने नु? नुकसान हैगा वे। अच्छा 25-30 मन कट जाने किले दी। पहले कितनी होंदी सी तकरीबन? पहले 50 मन, हुण 25-30 मन। ओहो अच्छा, ते हुण एक होर भी नुकसान हैगा कि हुण हथ नाल वढ़नी पएगी। 6 मन एकड़ दा होवे। किन्ने क दिनां तक तैयार हो जाएगी? 15-20 दिनां में तैयार हो जाएगी। 15-20 दिनां च देख लें जी। आपके ये जो तूफ़ान आया, ये बड़े भाई हैं, खुरम भाई हैं मेरे, ठीक है, तो ये इस तूफ़ान की वजह से तकरीबन 15-20 मन है, 15-20 मन, 15-20 मन तकरीबन पहले औसत होती थी एक एकड़ की 50 मन, ठीक है 45 मन, लेकिन अभी 15-20 मन जो है ना वो कम हो जाएगी, तो देख लें। बाकी फ़िलहाल उठाते हैं जी। बड़े भाई ने जी भूसा उठा लिया यार। वैसे ना मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि मुझसे कोई छोटा भाई हो ना तो मैं उसको बड़ा प्यार करूँ, उसके साथ खेलूँ, लाड करूँ, ठीक है, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है। हम 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ, तो ये चारों जो है ना मुझे डांटते भी हैं, ठीक है, कोई गलत काम करूँ तो डांटते भी हैं, और वैसे ख्वाहिश यही है मेरी कि मेरा भी एक छोटा भाई हो, मैं उससे प्यार करूँ, ठीक है। होती है बंदे की फीलिंग कि मैं उस पर थोड़ा सा अपना रौब जमाऊँ। अपना भतीजा अहमद हो गया और मेरे 2 भांजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अबू बकर उमर, वो भी अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे। ले जी वापस अहमद के पास आ गए। अहमद बेर किन्ने रह गए? हाँ थोड़े रह गए यार, सारे खा गए, होर लैने की करने घर जाके खाने ने। वाह जी वाह, भतीजा जी बड़ा सियाना है माशाल्लाह। 4 बहनों का भाई है ये अकेला, 4 बहनों का अकेला भाई है ये वाला, ठीक है, तो अभी सोच रहा होगा चलो बहनों के लिए लेके चलता हूँ, हैं भैन वास्ते लेके जाने बेर तोड़ देवा। रहन दिए यार के रहन दिए, तोड़ देवा नहीं भैन वास्ते लेके जाने, हैं नहीं क्यों क्यों नहीं लेके जाने भैन वास्ते नहीं लेके जाने पुत्र भैन वास्ते लेके चल बेर, ठीक है। हाँ शाबाश, मैं तेन तोड़ देना। लै भी अहमद, लै भी अहमद, वहा किन्ने हो गए, होर देव होर लैने चोट। लै भी होर, चल बहुत ने वहा इधर। इधर फिलहाल जी घर वापस जा रहे हैं। ले जी घर पहुंच चुके हैं, चलो चलो बेटा अंदर, चलो चलो शाह भैना दे बेर, चल शाबाश, चल चल चल। ये भी भतीजा जी अपना अयान, कान इसके थोड़े से बड़े हैं यार, ये देखो ना आ कान थोड़े ला के मेनू दे यार अपने। अहमद तू भैन नू बेर नहीं दिते? क्यों नहीं दिते? तेनू बेर दिते ने? नहीं दिते? नहीं दिते? क्यों नहीं दिता भैन नू बेर? तू है बस 2 बेर देते भैन नू, तू खुश हो गया, चलो भी दे चल।
फिलहाल चीचावतन जा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा काम है। एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो सरप्राइज़ आपको बाद में बताऊँगा। जाकर इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि क्या क्या लिया है मैंने। वो स्पेशल जो आप लोगों को मैंने एक समझ लो कि सरप्राइज़ देना है, वो आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लें, भूख लगी हुई है, थोड़ा सा खाना पीना खा लें। ये नान टिक्की खा ली है और देख रहे होंगे साइन बोर्ड, ये है जी लाहौरी चिकन शामी बर्गर पॉइंट, ये चीचावतनी में मौजूद है, ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, चीचावतनी में चाय की बड़ी मशहूर एक दुकान है, उसका नाम है जी मदीना मिल्क शॉप, तो इनसे चाय पीते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनकी चाय कैसी है। वैसे सुना तो मैंने बहुत है, लेकिन अभी ट्राई करके देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। नहीं जी, गर्मा गर्म चाय आ गई है, चेक करते हैं। वाकई जी नाम सुना था, लेकिन आज चेक भी कर लिया, क्या बात है। फजील कैसी है चाय? अच्छी है, चेक करके बताओ जरा। अच्छी है यार, माशाल्लाह इतनी गाढ़ी चाय है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। देख लें तकरीबन मेरे ख्याल में 4 से 5 मिनट हो गए हैं पीते हुए, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। और वाकई यार इनकी एक पहचान है, बड़ी अच्छी चाय है चीचावतनी में। बाकी मज़ीद किसी दिन इंशाल्लाह चीचावतनी में फास्ट फूड और उसके अलावा अच्छे अच्छे खाने भी आपको दिखाएंगे, खाकर इंशाल्लाह उनकी साथ साथ वीडियो भी बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे चीचावतनी में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं। साइलेंट को टच करते हैं थोड़ा सा, लेकिन चाय पी थी, बहरहाल इधर तो नहीं खाएंगे, लेकिन पैक करवा लेते हैं, घर जाकर इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, ये रशियन साइलेंट की जो शॉप है, ये मदीना बेकर स्वीट्स के साथ ही बिल्कुल है। अगर आप चीचावतनी के हैं, अगर आप लोगों ने चेक करना है, तो यहाँ पर ज़रूर आकर ट्राई करें। अच्छा भाई, असी सब तो पहले इंसान है, इंसान का मतलब उस करने वाला, प्यार करने वाला, मुहब्बत करने वाला, उस तो बाद मुसलमान है, मुसलमान का मतलब शांति वाला, अमन वाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, खैरुन नास मन यनफउ नास, इंसानों में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। तो बाजू या लादी या डिफ्रैक्चर हो जाए ना, तो डॉक्टर को ना भी जाइए, किसी देसी बंदे को बनवा लिए ना, तो बंदा ठीक हो जाए। अल्लाह ना करे किसी बंदे सिर से सट लग जाए ना, तो बंदा दोबारा ठीक नहीं होता, या वक्त एक्सपायर हो जाता, या कोमे चला जाता। कोमे जाना मतलब है कि मेडिकली इस वास्ते बेहतर है कि हेलमेट पाया करो। अच्छा जी, ये मोटरवे वाले भाई हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि यार बाइक चलाते हैं तो उस पर हेलमेट का आप ख्याल किया करें, ये हमारी सेफ्टी के लिए हमारे मुहाफ़ हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको देख के
वो साइड चेंज कर जाते हैं और बाइक नहीं रोकते और बाद में उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिससे उनकी जान जा सकती है। तो लिहाजा आपने भाई की बातें सुननी होगी, इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इस वक्त टाइम 7:37 हो चुके हैं और घर आते ही मोबाइल फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी तो इसको चार्जिंग पे लगा दिया था और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी आप लोगों के लिए, जो सरप्राइज़ था वो आपको बता देते हैं। ये थोड़ी सी शॉपिंग की है, ये कनेक्टर मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की और ये हैंड फ्री इसकी भी मुझे ज़रूरत थी बिकॉज व्लॉग एडिट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और इसमें को थोड़ा पर्सनल सामान है, शैम्पू और ये सरप्राइज़। इसमें क्या है आप लोगों ने गेस करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और इस सरप्राइज़ के लिए कल इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी वो बहुत अहम होगी और जो सरप्राइज़ था वो इंशाल्लाह कल, अल्लाह रखे खैर, इंशाल्लाह वीडियो आएगी उस पर, वो सरप्राइज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल ऐसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है तो बाकी आज के व्लॉग को इधर ही करते हैं एंड। अभी व्लॉग को एडिट करना है, एडिट करके उसके बाद फिर अपलोड करना है। पहले मेरे व्लॉग सुबह 8 बजे आते थे, ठीक है, अभी इंशाल्लाह रात को 8 बजे अपलोड हुआ करेंगे। सुबह की रूटीन इस तरह थी कि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता था, वो मैं वीडियो अपलोड नहीं जल्दी कर सकता था, तो बाकी अभी रात को इंशाल्लाह व्लॉग आया करेंगे मेरे रात 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे से पहले इंशाल्लाह मेरा व्लॉग नया आ गया करेगा डेली रूटीन पे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thank you.